यह बहुत ही डिलीशियस बना है। यह देखिए, इसका कलर और टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आया है। फ्रेंड्स, गाजर का हलवा बनाने के लिए यह रेसिपी बहुत ही आसान और परफेक्ट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा दोषनीवार और स्वागत है आपका मेरी चैनल रेसिपी विंडो में। सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है और गाजर का हलवा तो सबका फेवरेट होता ही है। वैसे तो सभी लोग इसे अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने ना मावा, ना कंडेंस मिल्क, ना मिल्क पाउडर और ना ही घी यूज किया है, फिर भी हलवा बहुत ही डिलीशियस और हेल्थी बना है, क्योंकि मैंने डाला है इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट और यह बहुत ही कम समय में बनकर के तैयार हुआ है। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ मैंने 1.5 किलो गाजर ली है। गाजर हमेशा डार्क रेड कलर की और साइज में बड़ी लेनी चाहिए, जिससे कद्दूकस करने में भी आसानी रहेगी और हलवे का कलर भी अच्छा आएगा। गाजर में जो गांठ होती है उसमें मिट्टी रहती है, तो इसे थोड़ी देर तक पानी में भिगो लें, जिससे इसमें से जो मिट्टी होगी वह भी निकल जाएगी। फिर साफ धोकर इसका छिलका उतार लें। चीनी ली है 200 ग्राम, 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, 1/4 कप काजू, 1/4 कप बादाम, 1/2 टीस्पून केसर। केसर को अगर गर्म पानी में भिगो दिया जाए तो वह अपना कलर और फ्लेवर उसमें छोड़ देती है। तो यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून केसर को 2 टीस्पून गर्म पानी में भिगो दिया है। अब सबसे पहले एक पैन में दूध गर्म होने के लिए रखेंगे। जब तक दूध में उबाली नहीं आ जाती, तब तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, जिससे दूध तले पर चिपकेगा नहीं। दूध को हमें उबाल कर गाढ़ा करना है। इसे इतना उबालना है कि इसकी मात्रा कम होकर 1/3 रह जाए। एक बार दूध में उबाली आ जाए तब आंच को इस तरह से सेट कर ले कि ये दूध उबल कर बाहर नहीं आए। जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। गाजर को कद्दूकस करने के लिए हमेशा मोटे छेद वाला ग्रेटर ले, जिससे क्या होगा, गाजर थोड़ी मोटी मोटी रहेगी और ये पकने के बाद भी आटे की तरह मैश नहीं होगी और थोड़ी मोटी मोटी रहेगी, जिससे इसका टेक्सचर भी अच्छा आएगा और यह दिखने में भी अच्छी लगती है। गाजर को कद्दूकस करने के साथ साथ दूध का भी ध्यान रखें। फ्लेम ज़्यादा तेज नहीं रखें, नहीं तो दूध उबलकर बाहर आ जाएगा। पैन की किनारों पर जो दूध इकट्ठा हो रहा है उसे भी हटाते रहेंगे और दूध में मिक्स करते रहेंगे। दूध को तब तक उबालते रहेंगे जब तक इसकी क्वांटिटी कम होकर 1/3 ना रह जाए। दूध उबलकर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इसकी क्वांटिटी भी 1/3 रह गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब एक कढ़ाई में कद्दूकस की हुई गाजर डाल दें और इसे गैस पर गर्म होने के लिए रखें। अभी गाजर कच्ची है इसलिए कढ़ाई पूरी भर गई है। इसे धीरे धीरे हिलाएं। जैसे जैसे गाजर पकती जाएगी वैसे वैसे सिकुड़कर मात्रा में कम होती जाएगी और हम इसे आसानी से हिला पाएंगे। अभी हम इसे 5 मिनट तक ऐसे ही चलाएंगे। अब गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और ये जो हमने गाढ़ा दूध तैयार किया था उसे भी गाजर में डाल देंगे और इसे हिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। शुरू में आंच कम रखें। जैसे जैसे गाजर अपना पानी छोड़ती जाएगी हम भी आंच बढ़ाते जाएंगे। आंच को जरूरत के हिसाब से कम ज़्यादा करते रहें। बस इतना ध्यान रखें कि हलवा जलना नहीं चाहिए। अभी मैंने आंच को मीडियम से हाई रखा है। अब इसे लगातार चलाते रहेंगे, जिससे गाजर का पानी रिड्यूस होता रहेगा और गाजर भी पकती रहेगी। अब इसका एक्स्ट्रा पानी रिड्यूस हो गया है और गाजर भी पक चुकी है। हम हलवे में ना घी डालेंगे, ना मावा डालेंगे, ना कंडेंस मिल्क और ना ही मिल्क पाउडर डालेंगे। फिर भी ये हलवा बहुत ही डिलीशियस बनने वाला है, क्योंकि हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट और वो है घर की ताज़ा मलाई। मैंने 1.5 कप मलाई ली है। मलाई डालने के बाद गाजर को अच्छी तरह से हिलाएंगे। यह मलाई मैंने 3 दिन में दूध से निकालकर इकट्ठा करके फ्रिज में स्टोर की है। हलवे में मलाई हमेशा ताज़ा ही लें, नहीं तो हलवे का टेस्ट खराब हो सकता है। अब इसमें भीगी हुई केसर भी डाल देंगे। 200 ग्राम चीनी डालेंगे। चीनी आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे फिर से हिलाएंगे। हलवे में हमेशा ताज़ा मलाई लें, नहीं तो हलवे का टेस्ट खराब हो सकता है। मलाई की वजह से हलवे का टेस्ट और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और यह मावा और घी की कमी भी पूरी कर देती है। चीनी डालने के बाद इसमें एक बार फिर से पानी छूट गया है। अभी हम इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ा और चलाएंगे।
अब चीनी का छूटा हुआ पानी भी सूख गया है और हमारा गाजर का हलवा तैयार है। इस तरह से गाजर का हलवा बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हुआ है। इसमें कटे हुए काजू और बादाम डालेंगे और इन्हें हलवे में मिक्स कर लेंगे। हलवा बहुत ही परफेक्ट और डिलीशियस बना है। यह देखिए, इसका कलर और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। अब इसे एक बाउल में निकालेंगे। ऊपर से बादाम और काजू से गार्निश करेंगे। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। गाजर का हलवा बनाने के लिए यह रेसिपी बहुत ही आसान और परफेक्ट है। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।